इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। टुडे आई विल डिस्कस सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। आप सभी देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट झांसी। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये वीडियो अगर आपको पूरा देखें और अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम लोगों के समक्ष सेल वॉल पर अध्ययन करेंगे। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, सेल वॉल किसी भी कोशिका की सबसे आउटर यानी कि सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन यह डेड कोशिकाओं के जो मतलब डेड होती है, यह मृत नहीं, मृत होती है। सेल वॉल जो है अधिकांश पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कुछ पौधों और जीवों में यह सेल वॉल डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल पदार्थों की बनी होती है। जैसे सब बैक्टीरिया में या जीवाणु में जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकोन। पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूकोपेप्टाइड एक मिक्सचर होता है ये किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और लिपिड्स पॉलीसेक्राइड आदि का ये मिश्रण होता है म्यूकोपेप्टाइड। इसी तरह से जो कवक की सेल वॉल होती है, फंगल सेल वॉल, ये फंगल सेलुलोज या काइटिन की मिली बनी होती है। काइटिन एक विशेष पदार्थ होता है जिसकी ये बनी होती है। अब हम बात करते हैं सेलुलोज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेलुलोज जो है वो क्या है? कुछ विशेष पदार्थ, जैसे सेलुलोज जो है माइक्रोफिब्रिल और मैक्रोफिब्रिल परतों में व्यवस्थित जो कण होते हैं उनके व्यवस्थित होने से बनता है। मतलब कि ग्लूकोज के 30 से 35 चेन मिलकर के एक माइसेली बनाते हैं और 20 माइसेली मिलकर के एक माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं और 250 माइक्रोफिब्रिल मिलकर एक माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं जो कि कोशिका भित्ति का कंकाल तैयार करता है। यह कोशिका भित्ति का कंकाल तैयार करता है। उसके बीच बीच में सेलुलोज, हैवी सेलुलोज, पेक्टिन, सुवेरिन आदि पदार्थ की परतें बनी होती हैं, तो ये उपस्थित होते हैं और ये सब मिलकर के सेल वॉल का मैट्रिक्स तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? सेल वॉल का मैट्रिक्स तैयार करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें अगर सेल वॉल के, तो सेल वॉल बेसिकली जो है ये स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, ये प्राइमरी लेयर होती है। इसके बाद की जो लेयर होती है उसको मतलब वो तीन लेयर की बनी होती है और ये थिक होती है और दृढ़ भी होती है। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इसे को सेकेंडरी वॉल कहते हैं और लास्ट में जो वॉल होती है वो टर्जरी वॉल होती है। लेकिन ये टर्जरी वॉल सिर्फ जिम्नोस्पर्म प्लांट की ट्रैकिड्स की सेल्स में पाई जाती है, ट्रैकिड सेल्स में पाई जाती है। और अब अगर हम बात करें प्राइमरी वॉल की, तो प्राइमरी वॉल जो है सबसे आउटर वॉल होती है जो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन आदि पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसी तरह से सेकेंडरी वॉल की बात करें तो यह मोटी और दृढ़ होती है तथा पेक्टिन और हेमी सेलुलोज से मिलकर बनती है। टर्जरी वॉल जो है जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड सेल में पाई जाती है और यह हेमी सेलुलोज और जाइलेन, हेमी सेलुलोज और जाइलेन इन दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मिडिल लैमेला। ये जो इसका खाली होता है ये मिडिल लैमेला, ये दो कोशिकाओं के मध्य का भाग होता है, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसको हम जो है ये जो बड़ा होता है मिडिल लैमेला, ये मैग्नीशियम पेक्टेट,
और कैल्शियम पैक्टेट दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, दोनों को कंबाइंडली जो है प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट सीमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। ठीक है, अब हम मॉडिफिकेशंस की बात करें अगर सेल वॉल के, तो सेल वॉल में कुछ बेसिकली मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल वॉल, मॉडिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं सेल वॉल के, तो सबसे पहले जो है दो चीजों का निर्माण, मतलब सेल वॉल का जो निर्माण होता है वो दो विधियों से होता है। नंबर एक विधि होती है इंट्रूसेप्शन, 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 इंट्यूब ससेप्शन, या इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट्यूब ससेप्शन, इसको हिंदी में जो है कणाधान कहते हैं। मतलब कि जब कोशिका भित्ति के पदार्थों का जमाव सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, जब कोशिका भित्ति के पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों या छोटे छोटे कणों के रूप में जमते हैं, तो उसको हम जो है इंट्यूब ससेप्शन कहते हैं, या कणाधान की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा जो है सेल वॉल का निर्माण होता है। दूसरी जो मतलब विधि है सेल वॉल के निर्माण की, वो है एपोजिशन, एपोजिशन, एपोजिशन। इसे हिंदी में जो है कहते हैं स्त्रारण। स्त्रारण का मतलब है जब कोशिका भित्ति के पदार्थों का जमाव लेयर्स के रूप में, परतों के रूप में होता है, परतों के रूप में होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एपोजिशन कहते हैं। और ये दूसरी विधि है सेल वॉल के निर्माण की। ठीक है, ये पूरा सेल वॉल के बारे में डिस्क्रिप्टिव मतलब हमने बताया है, इसका जो छूटा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।